ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्प्रह आज आपके समक्ष ये घोषणा करता हूं कि इस ब्रह्मांड में विचार से अधिक शक्तिशाली और कुछ भी नहीं, विचारों से अधिक ताकतवर इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं। यदि आपके विचार अत्यंत शक्तिशाली हैं तो वे विचार मूर्त रूप में भी आपके समक्ष आ सकते हैं। आप उन विचारों को धीरे धीरे मूर्त रूप में आते हुए देख भी सकते हैं और अगर एक बार आपने ये काम कर लिया तो मेरा दावा है कि संसार का कोई भी शक्तिशाली से शक्तिशाली तांत्रिक आपको अपने वश में नहीं कर सकता, दुनिया का कोई वशीकरण आप पर काम नहीं कर सकता। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि हमारे विचार शक्तिशाली कैसे हों, ये हम आपसे पहले बता चुके हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क के दो भाग हैं, एक अग्र मस्तिष्क और एक अवचेतन मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क एक प्रकार से कंप्यूटर के मॉनिटर की तरह है जिस पर विचार हर क्षण उत्पन्न होते रहते हैं और कुछ समय पश्चात वहां से हटते रहते हैं। वे विचार आपके किसी मतलब के नहीं है। विचार वो होता है जो धारणा बनकर आपके अवचेतन मस्तिष्क में प्रवेश कर जाता है। ये विचार ही तो है कि अग्नि में अगर आप हाथ डालोगे तो जल जाओगे, ये विचार बन गया, इसलिए बार बार आग में हाथ डालने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप इसको जानते हैं, ये एक तथ्य की भांति आपके अवचेतन मस्तिष्क में बैठ गया। लेकिन अब समस्या ये पैदा होती है कि विचारों को हम शक्तिशाली कैसे बनाएं, हम अपनी संकल्प शक्ति को किस प्रकार इतनी मजबूत कर लें कि हम पर कोई दूसरा विचार आरोपित न हो सके। एक दो छोटे छोटे प्रयोग हैं जो आप कर सकते हैं। इनका किसी कर्मकांड से, किसी प्रकार की धार्मिक अनुष्ठान से या पूजा पाठ से विशेष उसका कोई मतलब नहीं है। एक छोटे से कमरे में जिसका आकार 8x8 से या 8x9 से अधिक ना हो, उसमें एक दीपक जला लें और उसके समक्ष बैठ जाएं और उसकी लौ को बहुत शांति से देखते रहें। लेकिन उस कमरे में कोई भगवान की मूर्ति या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। लगातार अभ्यास के बाद आप ये अनुभव करने लगेंगे कि दीपक की ज्योति के अतिरिक्त आपको वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। हम दीपक की ज्योति के स्थान पर दीवार पर एक बिंदु भी बना सकते हैं, एक छोटा बिंदु, उसको लगातार देखते रहे, लगातार देखते रहे। आप देखेंगे कुछ समय बाद उस कक्ष में उस बिंदु के अतिरिक्त आपको कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है, आपको अपनी अनुभूति होना भी बंद हो जाती है, आपको अपना भी आभास नहीं होता। आपके आसपास क्या घटित हो रहा है, आपके आसपास क्या चल रहा है, वो सब कुछ धीरे 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 विलुप्त होता चला जाता है और आपकी चेतना उस बिंदु में प्रवेश कर जाती है। इस तरह के प्रयोग छोटे छोटे, जिन्हें योग में त्राटक भी कहा गया है,
ये प्रयोग आपके विचारों को शक्तिशाली बनाने के लिए आवश्यक है। और धीरे धीरे जब आप इन प्रयोगों से ऊपर निकल जाते हैं तो आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को आज्ञा देने में समर्थ होते चले जाते हैं। आपकी संकल्प शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि अब कोई दूसरा विचार आपके ऊपर आरोपित हो ही नहीं सकता। और जब कोई विचार आरोपित नहीं हो सकता तो फिर किसी के वशीकरण का या किसी क्रिया का कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। इस वीडियो में आज इतना ही। कल या आगे आने वाले समय में हम आपसे मनोवैज्ञानिक तथ्यों की, मनुष्य के मनोविज्ञान की और भी बहुत सी वैज्ञानिक दृष्टिकोणों की व्याख्या करेंगे। नमस्कार।